संबल नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन और रामपुर के सांसद आजम खान के बेहद करीबी कौसर अहमद पर गमन के आरोप में सदर कोतवाली में नगर पालिका परिषद के ईओ रामपाल के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार वर्ष 2017 में नगर पालिका के चेयरमैन रहे कौसर अहमद के कार्यकाल में 84,42,000 की धनराशि से पालिका के लिए जेसीबी क्रेन व अन्य वाहनों की खरीद की गई थी। वाहन खरीद में सपा के पूर्व चेयरमैन पर वाहन खरीद में घोटाला किए जाने के आरोप लगे थे, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री के पोर्टल पर की गई थी, जिसका संज्ञान लेकर जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी ने वाहन खरीद घोटाले की जांच के आदेश दिए थे। 4 साल तक चली जांच के बाद जांच रिपोर्ट में 42,21,000 की धनराशि गमन किए जाने की पुष्टि की गई थी। जांच रिपोर्ट में वाहन खरीद में 42,21,000 की धनराशि गमन किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद जिले के जिलाधिकारी के आदेश पर पालिका के ईओ रामपाल ने सपा के पूर्व पालिका चेयरमैन के खिलाफ वाहन खरीद में गमन किए जाने के आरोप में केस दर्ज कराया है। एसपी चक्रेश मिश्रा ने जानकारी देकर बताया कि संबल नगर पालिका परिषद के ईओ के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पालिका के पूर्व चेयरमैन कौसर अहमद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद संबल की तहरीर पर पूर्व चेयरमैन कौशल अहमद के विरुद्ध 409 धारा आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें जो भी तथ्य हैं तथा जो सरकारी दस्तावेज हैं उनके आधार पर विवेचना प्रचलित है, वैधानिक कार्यवाही की जानी है।